स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि दो 5-inch सॉकेट और एक स्विच का कनेक्शन कैसे किया जा रहा है। देखिए, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं ये बोर्ड को घुमा ले रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रल का कनेक्शन 5-pin के न्यूट्रल टर्मिनल पर एक वायर को लगाएंगे। उसको स्क्रू ड्राइवर के मदद से अच्छी तरह से कसने के बाद जो मेरा दूसरा 5-inch सॉकेट है उसके न्यूट्रल वाला टर्मिनल पे लगा करके अच्छी तरह से कस लेंगे। तो फिर उसके बाद एक और केबल लेंगे रेड कलर का, जो मेरा 5-pin सॉकेट, जो दोनों 5-pin सॉकेट है उसके एल वाले टर्मिनल को उस केबल के सहारे लूप करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक केबल को अच्छी तरह से कस करके जो मेरा दूसरा 5-pin सॉकेट है वहाँ पे एल वाले टर्मिनल पे यहाँ पे दो केबल लगाएंगे। एक और केबल जो स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में एक हिस्सा जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से स्क्रू ड्राइवर के मदद से हम कस ले रहे हैं। कसने के बाद उस केबल के एक हिस्से को मैं स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में लगा करके स्क्रू ड्राइवर के मदद से अच्छी तरह से कस ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम इसमें जो 5-inch सॉकेट में जो अर्थ का पॉइंट रहता है वो दोनों अर्थ का पॉइंट को हम आपस में इस केबल के मदद से लूप कर ले रहा हूँ। लूप करने के बाद फ्रेंड्स, मेरा इस बोर्ड का वायरिंग बिल्कुल फाइनल हो चुका है और इस बोर्ड से हमको न्यूट्रल फेज और अर्थ का वायर बाहर निकालना है। तो सबसे पहले हम ब्लैक कलर का वायर, ब्लैक कलर का कहीं पर भी वायर में हम जोड़ सकते हैं जो दोनों 5-pin सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे। तो मैंने दूसरा 5-pin के न्यूट्रल टर्मिनल पे लूप कर लिया हूँ। उसके बाद ये मेरा न्यूट्रल वायर हो गया। उसके बाद फेज वायर जो मैं रेड कलर का लिया हूँ, आप किसी कलर का ले सकते हैं आपके पास जो अवेलेबल हो, मैं उसको स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में लूप कर दिया हूँ। फेस न्यूट्रल हो गया। उसके बाद हमको इस बोर्ड में अर्थिंग का केबल भी बाहर निकालना है जो मैं पीला कलर का लिया हूँ। जो उस केबल को मैं 5-pin सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे लूप करके बाहर निकाल लिया हूँ। तो देखिए, मेरा बोर्ड का वायरिंग बिल्कुल फाइनल हो चुका है फ्रेंड्स। ये मेरा फेस वायर है, ब्लैक न्यूट्रल है और जो मेरा पीला है वो बॉडी अर्थ है। तो इस बोर्ड को हमको चेक करना है। तो सबसे पहले इस बोर्ड के पीछे वाले कवर लगा करके स्क्रू ड्राइवर के मदद से जो दिया हुआ दोनों स्क्रू है उस स्क्रू को कस ले रहा हूँ। और इस बोर्ड में मैं सप्लाई दे करके चेक करूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मैं इस बोर्ड में सप्लाई दे दिया हूँ और टेस्टर के मदद से मैं चेक करूंगा। तो मेरा स्विच ऑफ है, तो देखिए मेरा टेस्टर नहीं बता रहा है और दोनों में किसी में नहीं बता पा रहा है। तो देखिए, तो मैं जब स्विच को ऑन करूंगा तो बताना चालू कर देगा। देखिए, जब मैं स्विच को ऑन कर दिया हूँ तो बता रहा है, मेरा टेस्टर को लॉक कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि मेरा बोर्ड बिल्कुल फाइनल है। देखिए, मेरा ग्लो कर रहा है, ऑन ऑफ करने पर चालू बंद हो रहा है। तो मेरा बोर्ड बिल्कुल फाइनल है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिए।